Assalamualaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. This is Muneeb Tahir and welcome back to another video after so long, I know. And I really wanted to make these videos for you guys, lekin jo hai bilkul bhi time nahi mila. Itni jo hai wo busy routine hai. Is time bhi jo hai wo takriban 2 baj rahe hain. Aur lekin ye wali video banana jo hai bahut zyada important mujhe lag raha tha because bahut sare students pooch bhi rahe the aur ye waisa mujhe bhi is par video banani thi. एंड बैकग्राउंड में थोड़ा नहीं जाना लाइक ये थोड़ी डेकोरेशन हुई थी जो कि अभी ख़राब हो गई. अच्छा गाइस, आज की वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी की सीरीज़ को लेके आगे चलते हैं. काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अगर आपको किसी टाइप की कोई हेल्प चाहिए आप जाके मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है. और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ उससे आंसर नहीं हो रही है तो आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल आंसर फॉर श्योर. अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की यूनिवर्सिटी के बारे में वो पॉजिटिव थी, वो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट थे और उनमें मैंने ये समझाया कि आपको यूईटी क्यों आना चाहिए, यूईटी मर्दान, व्हाई शुड यू कम टू यूईटी मर्दान. आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा व्हाई शुड यू नॉट कम टू यूईटी मर्दान. अच्छा, तो इससे पहले कि जो लोग मेरी रिकमेंडेशन पे यूईटी मर्दान आए थे वो मुझे गालियाँ देना शुरू कर लें, लेट्स डाइव इनटू गाइस. वीडियो में आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना और आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और जब भी आप वीडियो जब भी देख रहे हैं आपको ज़रूर फ़ायदा होगा. अगर आपको वीडियो के लास्ट में लगे कि आई डिज़र्व, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कर दें तो बहुत बेस्ट, लेट्स गो. अच्छा गाइस, हम लोग जिस तरह हर चीज़ को जो है वो जब भी मैं कुछ चीज़ समझाता हूँ तो उसको मैं कैटेगराइज कर लेता हूँ कुछ एक दो चीज़ों में, ठीक है. तो इधर भी मैंने जो है थोड़ा माइंड में कैटेगराइज किया है जो है दो तीन चीज़ों में, तो हम उनको डिस्कस करेंगे. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यू शुड नॉट कम टू यूईटी मर्दान इफ क्वेश्चन मार्क. अब जो है मैं आपको जो है कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा आपको यूईटी कब नहीं आना, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर जो है यू कैन अफोर्ड गुड यूनिवर्सिटीज, ठीक है. अब अफोर्ड करने में ना इसकी फिर आगे दो तीन कैटेगरीज हैं. अफोर्ड आप उसको दो तीन तरीकों से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियली उसको अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी फॉर एग्जांपल उसकी दो तीन चीज़ें उसमें बातें हैं. आप उसकी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, अच्छा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से मेरा क्या मतलब है ये मैं आगे चल के बताऊँगा, जुड़े रहिए, ठीक है. फीसेस और जो रहने के अकोमोडेशन के अखराजात हैं वो. थर्डली जो है आप ले लें कि जो आपका स्कोर है, ठीक है, आपके मार्क्स कितने हैं. अगर तो ये सारी चीज़ें आपको इजाज़त देती हैं टू ऑप्ट अ गुड यूनिवर्सिटी तो गो फॉर इट, डू नॉट कम टू यूईटी मर्दान, डू नॉट कम टू यूईटी. ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक है. अच्छा गाइस, इसके अलावा जो है ये अब मैं पहले डिफाइन कर लूँ ये अच्छी यूनिवर्सिटी जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ इससे क्या मतलब है. क्या यूईटी मर्दान या यूईटी लाहौर या यूईटी पेशावर, दे आर नॉट गुड, दे आर गुड एक्चुअली, ऐसी बात नहीं है कि दे आर नॉट गुड. अब प्रॉब्लम ये है कि अब जब बात आती है कंपेरिजन की, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि आईटी में जैसा नाम फास्ट का है, लाइक फास्ट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर आईटी, भले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सीएस बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो अब इट डज़ नॉट डिपेंड कि आपको पीसी कार्ड मिल रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके या नहीं मिल रहा है, यू आर रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियर नॉट, नहीं, कुछ भी डिपेंड नहीं करता. यू आर जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट, आप इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा वो आपको रेडी कर लेते हैं, इतना टफ टाइम देते हैं, ठीक है. फास्ट नस्ट प्यास, अच्छा ये मैं आईटी सर्ट के भी जनरली भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग की जीआई के, ठीक है. तो ये मतलब नॉन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसमें कोई शक नहीं है ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, फर्स्टली. और इंडस्ट्री में भी अगर मैं बात करूँ, मतलब मैं खुद भी जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया मुझे, लाइक अभी भी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ एक, और इवन कि मैं एक स्टार्टअप भी रन कर रहा हूँ. सो आई नो कि किस तरह से जो है किसी यूनिवर्सिटी का आगे इंडस्ट्री में नाम बनता है. तो ऐसा है ना कि इनका बड़ी एक हाइप भी बनी हुई है और दूसरी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटीज़ एज ए यूनिवर्सिटी भी अच्छी हैं. इसके अलावा फॉर एग्जांपल देखें, अब बेस्ट यूनिवर्सिटी आपने खुद चूज़ करनी है, आपको पता होगा. एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ. अब सबको पता है कि पाकिस्तान में
बिजनेस पढ़ने के लिए, बिजनेस स्टडी कोई भी हो, MBA हो, BBA हो, उसके लिए टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी? IBA ऑफ कोर्स, देन LUMS, ठीक है? तो IBA LUMS से मतलब जो ग्रेजुएट हुआ तो लाइक वो उसको एक मतलब कुछ समझा जाता है कि यार ये कोई एंड ऐसा है कि इसके अलावा जो है इसी तरह इंजीनियरिंग में भी ये होता है कि NUST इज द बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरिट देख लें, उनका एडमिशन्स का क्राइटेरिया देख लें, बाकी सब देख लें, सोसाइटी देख लें। चलें इस टॉपिक को क्लोज करके साइड पे रखते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी व्हाट डू आई मीन बाय दैट। लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट में मैं एक बोनस टिप देने वाला हूँ। यू शुड नॉट कम टू यूटी मर्दान बिकॉज ऑफ लेस डाइवर्सिटी, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यूटी मर्दान एंड यूटी पेशावर, लाइक ये वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके पी के। सो मैं एक बात कहता होता हूँ कि लेस डाइवर्सिटी मोर डिस्क्रिमिनेशन। अब इस डिस्क्रिमिनेशन को आप जो है वो भले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कह दें, आप इसको जो है वो रेस डिटर्मिनेशन कह लें, ठीक है, नॉट डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, आई एम सॉरी, असरात हो रहे हैं पूरा दिन कोडिंग करने के। खैर ये है कि क्या बोल रहा था, अच्छा तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जिधर डाइवर्सिटी कम होती है उधर ज़्यादा होती है। अब वो मतलब एक नेचुरली बस होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा जो है ना फील करते हैं दबाव, इस पर मैं एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात है भाई घबराना नहीं है। खान साहब बोल के घबराना नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि यस व्हेन टू गो फॉर व्हाट, ठीक है। या इस तरह बोलूँ कि व्हेन टू गो फॉर, छोड़ो यार कन्फ्यूजन वाले कोई टर्म्स यूज नहीं करते, इस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा आगे चलता है, नंबर 3 एक्सपोजर, ठीक है। अब आप इस एक्सपोजर को ले लें इंडस्ट्री के साथ एक्सपोजर, आपके जो है वो सोशलाइजेशन जिस तरह से आप की हो रही है, ठीक है, ग्रूमिंग जिस तरह से हो रही है, तो कंपेरेटिवली इट इज़ लेस इन यूटी एज कम्पेयर टू GIK, फास्ट, NUST एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक फैक्टर है। मतलब मेन बात जो थी ये थी कि यार व्हेन यू कैन अफोर्ड दोज यूनिवर्सिटीज विच आर बेटर देन दिस वन यू शुड नॉट कम हियर, ठीक है। आफ्टर ऑल इट इज नॉट अ बैड आइडिया टू कम UAT, ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब आप आ गए, सही है, अब आता है बोनस टिप कटा है। अब जो लोग छोड़ के चले गए ना वो लोग ये चीज मिस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई डिग्री, इट्स माई लास्ट ईयर, ठीक है, तो मैं बात कर सकता हूँ। मुझे पता है, मैंने इंडस्ट्री भी देख ली है, मुझे पता है कि कितना कंपटीशन है, तो मुझे आइडिया हो गया, ठीक है। तो इसलिए अब मैं ये बात कर सकता हूँ और लाइक मैं श्योरिटी के साथ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप UAT आ गए, अब मेरी ये वीडियो देखी, आपने कहा यार वो गलती हो गई है, तो अब एडमिशन ले लिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, आप क्या नो क्या क्या मैंने मिसिंग बताया है, सोसाइटीज़ जिस तरह से सोशलाइजेशन हो रही है, मतलब सिंपली इन वन वर्ड इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, आपकी ग्रूमिंग वो भी इन्वायरमेंट में शामिल है, देन इट कम्स टू द सिटी। अब अच्छा सिटी से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है ना, लाइक दीज बिग यूनिवर्सिटीज़ आर लाइक, और ये भी मेन कैंपस में, आप इस्लामाबाद ये आप वो किस पिछले किसी क्वार्ट में, फिर नहीं है मसा, ठीक है, फिर उससे अच्छे आप UAT पेशावर चले जाए, ठीक है। तो इट मैटर्स यार, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। इफ़ यू आर इन इस्लामाबाद एंड इफ़ यू आर इन पेशावर, देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो बोनस टिप ये है गाइस कि मेक इट फॉर योरसेल्फ, जो चीज़ मिसिंग है उसको बना लें, ठीक है। मैंने ऐसे ही किया था, ठीक है, मैं जो चीज़ मिसिंग लगी तो मुझे यूनिवर्सिटी ने ग्रूम भी बहुत किया है और आई हैव इंजॉयड, मुझे कोई लाइक अभी 3 साल गुजरने के बाद आई एम नॉट रिग्रेटिंग, ओ यार काश NUST चला जाता, नो आई डोंट हैव दैट थिंग बिकॉज आई नो माई फेट वॉज better here. I feel that like I just spent a good time here. Time से गौर बात याद है यार, अल्लाह करे, मेरी दुआ है आप सबके लिए जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी सी कंपनी मिल जाए, ठीक है। हॉस्टल लाइफ है अगर तो वो सिर्फ कंपनी पर है। अच्छा गाइस, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे, बहुत से जूनियर्स मुझे मैसेजेस करते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, आई ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल एज मच एज पॉसिबल, और अभी तक आई डोंट थिंक सो अगर मेरी किसी से बात हुई है तो मैंने उसको अटेंशन नहीं दी होगी, लाइक जितना मुझसे होता है मैं टाइम देता हूँ,
एंड आई विल रिप्लाई फॉर श्योर पर्सनली. उसके अलावा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं अपने सारे क्वेश्चंस, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम. अच्छा, अभी मैंने एक और बात, अभी तब तक आप आई गए अगर तो ये सजेशन ज़रूर बताना मुझे. एक सजेशन चाहिए मुझे कि आई विल अपलोड वीडियोज़ लाइक दिस जिसमें थोड़ी कम एडिटिंग होगी, एनिमेशन, क्योंकि गाइस बिल्कुल टाइम नहीं होता. तो मैंने डिसाइड किया है बिकॉज दिस इज़ अ गुड वर्क इफ़ आई एम टेलिंग यू ऑल दिस. और बहुत से लोगों को मैंने देखा आगे गाइडेंस मिली है एंड थैंक यू सो मच यार, थैंक यू. लाइक मैं अपने सारे जो है वो अब अपनी सारी ऑडियंस का बहुत ज़्यादा खुश शुक्रगुजार हूँ. इवन इफ आई एम नॉट अपलोडिंग द वीडियोस स्टिल माय चैनल्स व्यूज़ आर नॉट लाइक ड्रॉपिंग डाउन टू ज़ीरो. सो अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच, क्रेडिट गोज टू यू. अच्छा, कीप सपोर्टिंग यार, आई विल ट्राई टू मेक व्लॉग्स एज वेल. लेकिन ये है कि इस टाइम जो मेन प्लेलिस्ट थी वो ये थी. तो अभी मैं गाइज इंटर्नशिप कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम डूइंग एन इंटर्नशिप इन मनस्टेक. तो कैसे मिली, कहाँ से मिली, कैसा एक्सपीरियंस रहा, जैसा मैंने ऑक्टा के बारे में बताया था नेस्टेप का, तो इस इंटर्नशिप के बारे में भी मैं शेयर करूँगा. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें. आई विल सी यू टुमारो नेक्स्ट डे समडे इंशाल्लाह. अच्छा, उससे पहले मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन चाहिए ताकि मैं आंसर कर लूँ बिकॉज एडमिशन हो गए. और ये वाली वीडियो मुझे आई नो यार थोड़ा सा पहले बनानी चाहिए थी बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला यार, सॉरी फॉर दैट. ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई है. आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग और घबराना नहीं. वेलकम टू यू ईटी. अस्सलाम वालेकुम.